नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपने आखिरी पार्ट की तरफ हैं। पार्ट 6 है ये, और यूपीपीसीएस का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय, जनरल स्टडीज का, जो अभी रिसेंटली 14 मई को कंडक्ट हुआ था। तो 130 क्वेश्चंस के आंसर की हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब अपने 131st क्वेश्चन की तरफ है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग इस पार्ट में देख रहे हैं वो 131 क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है। देन हु कम्पोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड सॉन्ग नट्टू नट्टू, किसने कम्पोज किया था? दैट इज कम्पोज बाई कीरावणी। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रिलेटेड है? दैट इज कौशल्या मित्रत्व स्कीम, ये रिलेटेड है इसके हिसाब से। योर फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पीकर प्रिसाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो आंसर जो आपका यहाँ पे है दैट विल बी ओनली टू, ओनली टू इज योर आंसर। Then next question, with reference to recommendation of Ashok Mehta Committee on Panchayati Raj, which of the following statement is or are correct? Three-tier system of Panchayati Raj should be placed by two-tier system and a block should be first point for decentralization under the popular supervision below the state level. So, if you look here, then your answer is your, the correct answer is your, that will be only one. Then eastern boundary of Harappan culture is indicated by which of the following? तो इसमें से अगर आप देखेंगे चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आलमगीरपुर ईस्टर्न बाउंड्री है जो यूपी के अंदर आती है। What is the theme of International Day for the Eradication of Poverty for 2022 and 2023? तो क्या थीम है इंटरनेशनल डे की? तो अगर हम लोग आंसर देखेंगे दैट इज डिग्निटी फॉर ऑल इन दी प्रैक्टिस, ये आपका आंसर है। सो विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के अगेंस्ट कैसी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज टॉक्सॉइड। Then with reference to E.V. Ramaswamy Naikar, which of the following statement is or are correct? He participated in non-cooperation movement and he left the Congress in 1925. So here the correct answer is your C. Dono hi options completely sahi hai. Aapko list match karni hai mountain aur countries ki. To aap yahan pe dekhenge, to sabse pehle hamare paas Kilimanjaro aata hai. Definitely wo Tanzania mein hai. Then Taugal. Taugal aapka Morocco mein hai. Then Stanley. Stanley is in Uganda and Hogar is in Algeria. So, iske hisab se your answer will be C. Next question ki taraf badhte hain. Non-conventional energy sources are those energy sources that are renewable in nature. How many railway stations have been identified for modernization of under the Amrit Bharat Station Scheme in Uttar Pradesh? So the answer is 149 are being identified. Then ozone layer absorbing ultraviolet radiation exists in which of the atmospheric layer? That is stratosphere. Then what caused wind to deflect towards left in southern hemisphere? Temperature, magnetic field, pressure, ya fir Coriolis forces. So the answer is your Coriolis forces. Then which of the following is the main objective of Janani Suraksha Yojana? So Janani Suraksha Yojana ka main objective is reduction in maternal and neonatal mortality rate. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर करेक्ट? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान 2022 में लॉन्च हुआ था और ये स्कीम पर्टेन करती है 7 इंजन्स को, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट एंड NIP विल बी अलाइंड विद द प्रधानमंत्री गति शक्ति फ्रेमवर्क। तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीटली सही है इसमें, दिस इज द कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू पुराण, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराण एंड वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन गुप्ता'स गवर्नेंस सिस्टम। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। देन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच स्कूल ऑफ थॉट एंड प्रोपोनेंट? तो उत्तर मीमांसा कपिला न्याय, गौतम ऋषि मीमांसा कन्नर एंड वैशेषिका इज पतंजलि। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो करेक्टली मैच है दैट इज न्याय, दैट इज गौतम ऋषि। द माउंट न्यूमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज फेमस फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स? इट इज फेमस फॉर आयरन ओर। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा यूपीपीसीएस के अंदर आया है सेट बी के अंदर, वो है हु अमंग द फ्लोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर? ये बुक किसने लिखी है? दिस बुक इज रिटन बाय प्रिंस हैरी। सो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे यूपीपीसीएस के पूरे पेपर को सॉल्व किया है। पार्ट 6 के अंदर हमने इस पूरे पेपर को सॉल्व किया है और हमने देखा कि कौन सी इसकी करेक्ट आंसर थी, जो हमने पूरा आपके साथ इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो अब इसके बाद हमारी ये पूरे क्वेश्चंस
हो गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि क्या स्कोर आपका बन रहा है और क्या इस समय आप इसके अंदर बेसिकली स्कोर कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो मिलेंगे आप किसी और वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।